तो कैनवस का साइज क्या है, ऑल्ट कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, 3300x2550। अच्छा ये ब्रोशर का साइज होता है, 3300 पिक्सल्स बाय 2550 पिक्सल्स, ये ब्रोशर का साइज है, तो हम ब्रोशर ही बना लेते हैं पहले। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर में ताकि याद रहे, 3300 पिक्सल 550 था आई थिंक पिक्सल्स, कंट्रोल ए, इसको मैं लाइट ग्रे कलर दे दूंगा और ये हमारे सेंटर में पड़ा रहेगा एंड तक, जब तक ये इसके ऊपर लेयर नहीं आती। तो ये है जो पिक्सल्स में ब्रोशर का साइज, ठीक है, 3300 इसकी वेट है और 2550 इसकी हाइट है। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ ब्रोशर। ब्रोशर में बेतहाशा डिजाइन है, जो मर्जी आप नेट सर्च करेंगे या पिंटरेस्ट या कोई भी वेबसाइट हो उस पर ब्रोशर डिजाइन सर्च करेंगे, आपको काफी ज्यादा आइडियाज मिल जाएंगे। तो स्पेसिफिकली कोई मैं खास डिजाइन जो है रैंडमली उठाऊंगा और उसको बताऊंगा जिसमें आपकी थोड़ी बहुत लर्निंग भी हो, कोई नई चीज सीखने को मिले, तो मैं उस तरह का कोई डिजाइन उठाऊंगा। और ब्रोशर होते हैं या तो टू फोल्ड, यानी जो सेंटर से हाफ हो रहे हो, जो कि हम ग्रिड लेआउट की मदद से बना सकते हैं। आपको याद होगा हमने क्लास में एग्जाम्पल की थी बिल्कुल स्टार्ट में, जिसकी मदद से हमने जो हमने बनाई थी गाइडलाइंस की मदद से, आई थिंक वो फिफ्थ या सिक्स क्लास थी, लेक्चर था। तो उसमें न्यू गाइड लेआउट पे हम जाते हैं तो हमें कुछ रोज दे देता है, कुछ कॉलम्स दे देता है, ठीक है ना। कॉलम्स वर्टिकल होते हैं, रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं। अभी इसमें रोज कोई भी नहीं है, एक पूरा कंप्लीट रो है, लेकिन कॉलम जो है वो तीन है, 1, 2 और 3। इसको हम कहते हैं 3, यानी ट्राई फोल्ड, दो दफा फोल्ड होगा, एक यहाँ से फोल्ड होगा और एक यहाँ से फोल्ड होगा। तो इसी तरह बिल्कुल एक हमारे पास 2 वाला भी होता है जो कि सेंटर से फोल्ड होता है, बहुत कम होता है, लेकिन 4 वाले भी होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो 3 है, एक ब्रोशर 3 इसमें 2 फोल्ड्स होते हैं, यानी 3 साइड्स होती हैं, तो हम 3 वाला ही बनाएंगे। ओके, हमारे पास एक पेज ये है, एक पेज ये है और एक पेज ये है ब्रोशर का। कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा, सॉरी कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा ताकि कैनवस का साइज पूरा स्क्रीन पे आ जाए। अब हम बनाएंगे एक किसी जिस तरह फॉर एग्जांपल हॉग्राफिक्स अकेडमी है, इसी का ही हम एक ब्रोशर बनाने की ट्राई करते हैं। इसमें एजुकेशनल थोड़े से कोट्स डाल देंगे, कोटेशन जो होते हैं, और ट्यूटर्स के बारे में लिख देंगे, फेक ट्यूटर्स होंगे उसके बारे में लिख देंगे, और यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा एक या तीन, 2 या 3 ट्यूटर्स के बारे में मेंशन हो जाएगा, उनके नाम, उनकी डेजिग्नेशन, उनका एक्सपीरियंस, और इस सेंटर वाले पेज पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एक बड़ा सा कोटेशन आ जाएगा कि कोई एजुकेशनल रिलेटेड जो कि हम गूगल से सर्च कर लेंगे, और इस राइट साइड पे हमारा आ जाएगा एड्रेस वगैरह, यानी कि अगर आपने एडमिशन लेना हो तो कहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर स्पेस बच गई तो हम लिख देंगे कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं, इस तरह की चीज़ें, एक एजुकेशनल पैम्फलेट बनाते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो कवर हो जाएंगी, जिसमें आइकॉन्स वगैरह हैं, प्लस अलाइनमेंट दोबारा से हम रिवाइज करेंगे इसमें, क्योंकि जो लेफ्ट कॉलम होगा उसमें अलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो हम टीचर की डिस्क्रिप्शन बायोडाटा डिस्क्राइब कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारा काम होता है बैकग्राउंड डिसाइड करना। तो बैकग्राउंड हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है, वाइट ही मैं रखूंगा, अगर मैंने चेंज करना हुआ तो मैं चेंज कर दूंगा। इस तरह फर्स्ट एग्जांपल में टेम्पलेट बनाया था, कलर पैलेट सॉरी, तो कलर पैलेट हम दोबारा बना सकते हैं। तो लेट्स मेक अ कलर पैलेट। कलर पैलेट में अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी तो मैंने आपको कलर पैलेट बनाने का तरीका बताया था, तो इसमें मैं वो वाला टूल नहीं यूज कर रहा जो मैंने वहां पर बताया था, बिकॉज वो उसमें टाइम लगता है, और अगर मैंने कलर पैलेट बनाना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली 10-15 मिनट वहां पे जाया हो जाएंगे। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, 4 कलर से, यहाँ पे तो ऑब्वियसली सारे सेम है, मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करूंगा। मैं क्योंकि पर्पल चूज हुआ तो मैं पर्पल के ही टोन में रहूंगा, थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। ये मेरा हो गया है पहला कलर,
फीचर्ड कलर, जिसको मैं हमेशा से एक्सेंट कलर कहता हूँ, ठीक है। इन स्ट्रोक लगा हुआ, मैं इनका स्ट्रोक जीरो कर रहा हूँ, ब्लैक बॉर्डर नहीं मुझे चाहिए। ये मेरा एक्सेंट कलर हो गया। अब सेकंड कलर मेरा क्या होगा, इसी का ही कलर होगा, पर्पल का, लेकिन थोड़ा सा डार्क होगा। यानी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इससे कलर पिक करूंगा, ये सेंटर वाला कलर आ गया। मैं तो थोड़ा सा डार्क टोन डाल रहा हूँ नीचे करके, ये मेरा सेकंड कलर हो गया। मुझे अगर चेंज करना हुआ तो मैं ड्यूरिंग एड इसको चेंज कर दूंगा, लेकिन अभी अभी के लिए ठीक है। तीसरा कलर मेरे पास ये है, मैं इसको डार्क ग्रे कर रहा हूँ, ठीक है, ये कलर आ गया। और आखिरी वाला मेरा व्हाइट होता है, तो वो मैंने जैसे इसको व्हाइट करना है वो वाइप हो जाएगा, लेकिन खैर ठीक है, पड़ा रहने दें। तो मेरे पास टोटल चार कलर्स हो गए हैं। अब उस व्हाइट की वजह से मुझे इसको बॉर्डर देना पड़ेगा, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने व्हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है, ये व्हाइट कलर भी आ गया। तो ये मेरी कलर पैलेट है बेसिक सी। मैंने पर्पल क्यों उठाया, फोटोग्राफर्स के लोगों में पर्पल है, तो इसलिए मैंने पर्पल ही उठाया है। तो आप कोई भी कलर उठा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस कलर पैलेट के बेस पे मैं बैकग्राउंड क्या चूज कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं व्हाइट ही चूज कर रहा हूँ, इवन दो मैं डार्क कलर भी चूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट बिजनेस कार्ड में डार्क कलर चूज किया था, लेकिन तो इसमें मैं अब व्हाइट चूज कर रहा हूँ। पहला जो मेरा कॉलम है वो टोटली पर्पल होगा, यानी ये वाला कलर होगा या ये वाला। तो किस तरह से बनाऊंगा, मैं पहले पार्ट पे शेप टूल पे गया हूँ, रेक्टेंगल टूल पे गया हूँ, और टॉप कॉर्नर से ड्रैग करना शुरू किया जब तक कि ग्रिड लाइन को मैच नहीं कर जाता, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कलर मैंने क्या चूज करना है, या तो ये चूज करूंगा या ये चूज करूंगा। तो इन दोनों में से मेरे ख्याल में बेस कलर जो है वो ये वाला बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा डार्क है, तो इस पर वाइट टेक्स्ट सही रहेगा। तो ये मेरा पहला हो गया, और मैं इसको फोल्डर्स बनाना शुरू कर दूंगा, ताकि मेरा काम मैसअप ना हो। ये रेक्टेंगल टू है, इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ, और इसको रीनेम करके मैं क्या कहूंगा, राइट लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट यहाँ पे, लेफ्ट पेज कह सकता हूँ, लेफ्ट कॉलम कह सकता हूँ, और वो मेरी मर्जी है। तो मैंने इसको एक कॉलम जो है, मैंने पूरे ग्रुप को कह दिया, लेफ्ट कॉलम का जो ग्रुप है ना मेरा, ये पूरा ग्रुप इसमें जो भी चीजें मैं डालता जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल लोगो लिखूंगा यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा, जो भी है वो लेफ्ट कॉलम के अंदर आता जाएगा। लेफ्ट कॉलम के अंदर लेफ्ट पेज जो है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ बैकग्राउंड, जी लेफ्ट कॉलम का जो बैकग्राउंड है वो ये मैंने सेट कर दिया। और अगर मैं चाहूँ तो अभी बाकी दोनों के भी सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, और ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने किस किस कलर पे काम करना है। तो सेकंड वाले को मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ, जो मैंने डार्क ग्रे सेट किया है। तो मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा और इसी का डुप्लीकेट कर लूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा ये फोल्डर। इस फोल्डर को मैं रीनेम कर रहा हूँ सेंटर कॉलम, ठीक है, और इसको मूव टूल की मदद से मैं अब सेंटर में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, सेंटर में आ गया। और एक और चीज मैंने नोट की है कि अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर आ रहा है बिल्कुल 1 पिक्सल का। तो वो मैंने दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, शेप टूल में गया हूँ, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्ट्रोक ब्लैक दिया हुआ है 1 पिक्सल का, तो मैं वो जीरो करने जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक हो गया, ये काम भी हो गया। अब एक पेज मेरा रह गया, जो कि है राइट वाला पेज, वो भी मैं बना लेता हूँ। कंट्रोल ओ प्रेस, जीरो प्रेस करूंगा ताकि ये दोबारा से, यहाँ पे गैप क्यों आ रहा है लेफ्ट कॉलम पे, इसको मैंने अलाइन करना है टॉप टू बॉटम, तो वो मैं यहां से करूंगा, तो वो ठीक हो गया। अब ये राइट वाला जो पेज है, इसके लिए मैं फोल्डर बनाऊंगा, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा दोबारा से, इसको रीनेम करूंगा, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट होता है, तो मैंने सेंटर वाले को डुप्लीकेट किया और यहाँ पे लिख दूंगा राइट कॉलम, इसको मैं उठाऊंगा मूव टूल के साथ और यहाँ पे ले आऊंगा। अभी नुकसान क्या हो रहा है मेरा, ये मेरा कलर पैलेट छुप गया, तो फिलहाल के लिए मैं राइट कॉलम को हाइड कर रहा हूँ, ताकि ये राइट वाला मेरा कॉलम आता रहे, कलर पैलेट आती रहे। और कलर पैलेट को मैं फौरन यूज भी कर सकता हूँ, सेंटर को मैंने डार्क ग्रे करना है, तो मैं इसका कलर चेंज करने जा रहा हूँ।
यहाँ से कलर पिक किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि वैसे मैच नहीं कर रहा, तो मैं और डार्क कर दूंगा, तो ये ठीक है। ठीक है, दो कलर्स मेरे हो गए, ये वाला पेज और ये वाला पेज। और फिलहाल के लिए ठीक है। अगर मैं बैकग्राउंड की डिजाइन पूरी कंप्लीट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ और एक्सेंट व्हाइट के ऊपर एक्सेंट कलर डाल देता हूँ, जो कि मेरे राइट कॉलम पे आएगा। अब मुझे इस टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, इस पैलेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मोस्टली इसका काम कर लिया है। फिर भी मैं इसको ग्रुप में डाल के इसको सेलेक्ट किया और फिर ग्रुप में डालूंगा, इसको मैं रीनेम कर दूंगा पैलेट। पैलेट किया और इसको मैंने हाइड कर दिया, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर डिलीट नहीं कर रहा फिलहाल के लिए। राइट कॉलम अब मैं विजिबल कर सकता हूँ, क्योंकि पैलेट की जरूरत नहीं है। इसको मैंने व्हाइट ही देना है, इसको मैंने डबल क्लिक किया और व्हाइट सेलेक्ट कर दिया। ठीक और राइट कॉलम जो कि ये वाला कॉलम है, इस पे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जो कि यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया, और ये डिजाइन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि मुझे किसी ने कहा नहीं है कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊं। मैंने इसलिए बनाया कि जगह खाली है, तो उससे होगा क्या कि फ्यूचर कलर्स आते रहेंगे, मतलब क्योंकि मेरा ये एक्सेंट कलर है, तो मैं इसको यूज करता रहूंगा जहां पे मेरा दिल करेगा। लेकिन कोई खास इसकी रीजन नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्यों डाला है। और आखिरी चीज जो मैं फील करना चाह रहा हूँ कि मेरा लोगो कहाँ पे आएगा, वो लोगो भी राइट कॉलम पे आएगा, वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सर्कल के अंदर। उसका कलर भी पर्पल ही होगा। तो फिलहाल के लिए अभी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने खड़ा किया है, और एलिप्स को मैं रीनेम कर रहा हूँ लोगो होल्डर। ठीक हो गया, लोगो प्लेस होल्डर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा जो कि सिर्फ मेंशन कर रहा है LOGO, वो मेंशन किया, और इस लोगो को इस लोगो प्लेस होल्डर के ऊपर डालना है। तो मैं क्या करूंगा, लोगो को पहले ऊपर ड्रैग करूंगा, लोगो के अंदर लेके जाऊंगा, और अब इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, लोगो प्लेस होल्डर और लोगो को, और वर्टिकल अलाइन हॉरिजॉन्टल अलाइन दोनों कर दिया है। लोगो का कलर मैं व्हाइट करने जा रहा हूँ, बिकॉज वो पर्पल के ऊपर प्रोमिनेंट हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर मैं और इसको एडिट करूँ, तो इसकी जो वर्टिकल जो स्पेसिंग है वो 0 कर रहा हूँ, और फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा हूँ। तो ये हमारा बेसिक लोगो का प्लेस होल्डर है, ये हमारा लोगो है नहीं, लेकिन ये प्लेस होल्डर है लोगो का। ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, फिर छोटा करना पड़ेगा। मैं अभी वो लोगो उठा सकता हूँ इंटरनेट से, और ग्राफिक्स एकेडमी का, लेकिन टाइम नहीं जाया करते। तो ये मेरे पास लोगो आ गया है, और ये बिल्कुल ब्रीफ स्ट्रक्चर मैंने खड़ा कर दिया है। आगे जाकर के मैंने इसको एडिट करना हो तो मैं एडिट कर सकता हूँ। अब एक और चीज मैं क्या करूंगा, लोगो और लोगो के प्लेस होल्डर को इकट्ठा करके Ctrl G प्रेस करूंगा, और एक और फोल्डर बना दूंगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा लोगो। इसका फायदा क्या है कि अब मैंने अगर ट्रांसफॉर्म करना हो, उसको भेजना हो कहीं और, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरे को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो जाएगा मेरे पास। तीन पेज हमने बना दिए, लेफ्ट कॉलम, सेंटर कॉलम और राइट कॉलम। और अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे यहाँ पे टैगलाइन लिखेंगे लेफ्ट कॉलम में। डमी डाटा मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है। मीट योर इंस्ट्रक्टर्स कह देते हैं, मीट योर इंस्ट्रक्टर्स सही होंगे। Ctrl A, फॉन्ट साइज छोटा किया और यहाँ पे ले आया, तो यस किया, थोड़ा सा जूम किया इसको। ठीक है, मीट योर इंस्ट्रक्टर्स मेरा यहाँ पे आ गया। और कुछ प्रोफाइल पिक्चर्स चाहिए होती है मुझे शायद। अब आप देख सकते हैं कि मैं जैसे इसको हिला रहा हूँ ना, वो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली अलाइन कर रहा है इस कॉलम के बिहाफ पे। ये पिंक लाइन जो नजर आ रही है आपको, ये पिंक लाइन, ये फोटोशॉप कह रहा है कि ये मेरा इस कॉलम में सेंटर आ चुका हुआ है, क्योंकि वो ग्रिड लाइन से लेके ग्रिड लाइन तक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है और खुद ही मुझे बता रहा है। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे सिर्फ ये सेंटर लाइन हो चुका हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस एडवांटेज है।
अब मैं एक मेट योर इंस्ट्रक्टर्स आना चाहिए लेफ्ट कॉलम के अंदर. अब मैं एक सर्कल बनाऊंगा और ये सर्कल क्या होगी, प्रोफाइल पिक्चर की जगह होगी. मैंने एक और प्लेस होल्डर बनाने जा रहा हूँ और इसके अंदर अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पिक्चर्स पड़ी हैं, ठीक है मैं फिलहाल ये पिक्चर यूज कर लेता हूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई नहीं है. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगेन मैं क्लिप करने जा रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ से भी आपकी रिवीजन हो जाएगी. मैंने इस इमेज को, जो कि ये इमेज है, इसको इस सर्कल के ऊपर मैप करना है, यानी जितना इस सर्कल है इसी के ऊपर इमेज है, बाकी सारी क्रॉप आउट हो जाए. तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज को उठाऊंगा, इस सर्कल के ऊपर रखूंगा, सर्कल छुप गया. इसका मतलब है कि मेरी इमेज पूरी की पूरी ऊपर आ चुकी हुई है. और अब मैं यहाँ पे जाके ऑल्ट और क्लिक करूंगा तो वो पूरा का पूरा उस सर्कल के ऊपर मैप हो गया. तो दिस इज क्लिपिंग मास्क और ये हम चाह रहे थे. तो इमेज मेरे पास आ गई है टीचर की और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप में डाला. ग्रुप का नाम है टीचर वन, ठीक है. और मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी थीम थोड़ी सी ब्लैक और पर्पल है, मैं इसमें मल्टी कलर्स नहीं डाल रहा. तो मैं क्या करूंगा, इस जो इमेज मैंने पकड़ी थी इसके ऊपर मैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर डालने लगा हूँ. वो मैं किस तरह से डालूंगा, वो एडजस्टमेंट पे जाऊंगा, ये पर सर्कल बना रहा है एडजस्टमेंट्स का. यहाँ पे अगर नहीं शो हो रहा तो आप विंडो पे जाएं और एडजस्टमेंट्स पे जाएं तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा. और यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट का फिल्टर होता है ये वाला, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा. तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो जो लेयर्स नीचे थी इस ब्लैक, ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लग चुका हुआ है. यहाँ पे गौर करें, ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर है मेरा, और ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर के नीचे जो कुछ भी था सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ठीक है ना. इसके नीचे क्या है, लेफ्ट कॉलम ब्लैक एंड व्हाइट, और क्या क्या था, ये तो पहले ब्लैक था. तो इसका मसला, ये मसला एक बहुत बड़ा. तो इसको हल करने के लिए क्या इश्यू है, क्या सोल्यूशन है, अगेन मैंने क्लिप करना है इस ब्लैक एंड व्हाइट की लेयर को. दो तरीके हैं, या तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँ ब्लैक एंड व्हाइट की लेयर को, और ये जो एरो बना आ रहा है, ये एरो, ये आप याद हो, एरो क्या है, ये क्लिपिंग मास्क वाला एरो है जो मैं यूज करता आ रहा हूँ, ये क्लिपिंग मास्क वाला एरो. इसको क्लिक करूंगा तो ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली लेयर क्लिप हो गई है सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली इमेज पे. तो अब देखिए सिर्फ इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है, बाकी कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहा. तो क्लिपिंग मास्क के ये इतने ज्यादा फायदे हैं, जो कि इसलिए मैंने स्टार्ट में रिपीट भी कर दिया. तो ये मेरी टीचर वन की प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है. और अभी तो नाम भी नहीं लिखा, इसका नाम लिखना है. तो अगेन वो हम टेक्स्ट क्लियर करेंगे और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, लेट्स से ये मेरा नाम आ गया यहाँ पे और इसको मैंने यस किया. और यहाँ पे कुछ बायोडाटा आनी चाहिए. इसके लिए मुझे रैंडम टेक्स्ट लिखना पड़ेगा. अभी मैं फॉन्ट की जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर तरीके से करूंगा, अभी सिर्फ इसी पे ही गुजारा करते हैं. जो कि नाम ऑब्वियसली प्रोमिनेंट होता है, डेजिग्नेशन हमेशा लेस प्रोमिनेंट होती है. और इनको अलाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मूव का टूल पे जाके इनको जो लेफ्ट एजेस है वो अलाइन कर दूंगा, ठीक है. और ऑनलाइन ट्यूब पे मैं थोड़ा सा ऊपर भेज दूंगा. और जो प्रोफाइल पिक्चर है वो मैंने कहाँ पे डाली थी, ये एक दो और तीन, ये तीनों मिलके प्रोफाइल पिक्चर बना रही है. इनको मैंने ग्रुप कर दिया और रीनेम कर दिया प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है. तो ये पहला पार्ट हो गया मेरा. और अब मैंने कुछ कमी डाटा डालना है प्रोफाइल पिक्चर का, थोड़ा सा इधर नीचे ले आते हैं. और जो मेरा टाइटल है वो इधर आ जाता है सेंटर में. तो अब क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पे जो भी टीचर की बायोडाटा है वो आ जाएगी. बट एक सेकंड, यहाँ पे एक फीचर होता है 2021 में कि
मैं ट्रैक करूँ इस तरह तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही, तो टेक्स्ट आ गया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक तो ये है कि इस सारा जो फॉन्ट है कैपिटल में हुआ है, तो मैंने उसको फॉन्ट को छोटा किया है, सेमी बोल्ड हुआ है उसको लाइट कर दिया, और अलाइनमेंट इसकी मैंने करनी है राइट वाली। फॉन्ट साइज मजीद छोटा कर रहा हूँ और इसको मैं यस करता हूँ और देखते हैं कि किस तरह की शक्ल बनती है। अभी ये इस तरह का बना आ रहा है, और एक व्हाइट लाइन एंटर करनी है ताकि वो सेपरेशन हो जाए टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइन टूल में जाऊँगा जो शिफ्ट टूल के अंदर होता है, और यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाइन खींच दूंगा। लाइन का कलर क्या होना चाहिए, वाइट कलर होना चाहिए, तो मैं यहाँ से चेंज करूँगा वाइट, स्ट्रोक नहीं चाहिए, और लाइन की थिकनेस आई थिंक ठीक है, अगर थोड़ा और बारीक करना हो तो मैं कर लूँगा बाद में, अभी जरूरत नहीं है। और अब मैं इन तीनों को अलाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं किस तरह करूँगा, नाम को सिलेक्ट किया, ऑनलाइन ट्यूटर को सिलेक्ट किया, और लाइन को सिलेक्ट किया, तीन लेयर्स को सिलेक्ट कर दिया और लेफ्ट एजेस को अलाइन कर दिया, तो लाइन ये तीनों बराबर के हो गए। जो बीच में डिस्क्रिप्शन आ रही है वो भी कुछ हद तक ठीक है, मैं उसको नॉर्मल साइज में देखूंगा तो ठीक है, बुरा नहीं है। एक और चीज में ट्राई कर सकता हूँ, क्या ये सेंटर लाइन अच्छी जस्टिफाइड अच्छी लग रही है, ये अच्छा लग रहा है, या फिर ये अच्छा लग रहा है। आई थिंक आई विल गो विथ लेफ्ट लाइन। तो इसके बाद मैं जो टीचर है उसका फोन नंबर आएगा, फोन नंबर मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 0335512345 और हर थ्री टीचर्स के बाद स्पेस आती है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 0335525046 यहाँ पे एक और टीचर आएगा आई थिंक, खैर वो आप देख सकते हैं। और ज्यादा अच्छा क्या रहेगा अगर यहाँ पे मैं आइकन डाल दूँ जो कि कॉल का होगा, और मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरे यहाँ कंप्यूटर में कहीं सेव था, एक सेकंड आप वेट करें, मैं वो आइकॉन इंपोर्ट कर देता हूँ फोटोशॉप में ताकि प्रॉपर लुक आ जाए, क्योंकि जब भी फोन नंबर मेंशन करें हमेशा उसके साथ आइकॉन लास्ट में डालें कॉल का या फोन का, उससे क्या होता है कि विजुअली बंदे को पता चल जाता है कि फोन नंबर यहाँ पे मेंशन है। ये मेरे पास फोन का आ गया है और यहाँ पे रखने इसका साइज छोटा किया, काफी छोटा करना पड़ेगा, यस किया और इसको रीनेम किया फोन आइकॉन, कहाँ पे गया है ये नीचे पड़ा हुआ है, यहां से मैंने इसको मूव टूल पे प्रेस किया और मूव टूल के साथ मैंने इसको ऊपर ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद इसका साइज मैं अप्रोप्रिएटली छोटा करूंगा जितना कि फोन नंबर के साथ मैच कर जाए, तो आई थिंक इतना काफी रहेगा, और फोन नंबर को उठा के मैं आगे ले आऊंगा। अब ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको कलर ओवरले देके इसको भी व्हाइट करने जा रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक आपने करना है बिल्कुल फोन के नीचे, तो एक विंडो ओपन होगी ब्लेंडिंग ऑप्शन की, लेयर्स है की सॉरी, उसमें यहाँ पे कलर ओवरले आ रहा होगा, कलर ओवरले पे जाके आपने सब कलर व्हाइट कर देना है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, दो तरीके हैं, या तो इस पर डबल क्लिक करें तो विंडो ओपन हो जाएगी, या फिर नीचे से जाके ये एडजस्टमेंट पे सॉरी एफ एफ पे जाके ये कलर ओवरले कर लें। ठीक है, फोन आइकन पे गए जो कि ब्लैक था, एफ एक्स पे गए कलर ओवरले पे क्लिक किया, ये विंडो ओपन हुई, यहां से जाके आपने व्हाइट स्टार्ट कर लिया, तो कोई भी पीएनजी होगी उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया है डिटेल्स, मैं आपके कोड नंबर भी मैंशन कर देता हूँ क्योंकि जगह है 0423123456 एंड एंटर। तो फिलहाल के लिए मेरे पास ये आ गया है, मैं इसको बोल्ड करना चाहूंगा क्योंकि दोनों का सेम टेक्स्ट स्टाइल आ गया तो ब्लेंडिंग हो गई है, मैं थोड़ा सा इसको रेगुलर कर दूंगा ताकि ऊपर वाले से डिफरेंट हो जाए। तो ये एक टीचर की प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, अब मुझे लग रहा है कि ये लाइन थोड़ी सी हाइट में बढ़ी है, मैं लाइन पे जाऊंगा, शेप टूल पे जाऊंगा और यहाँ से हाइट थोड़ी सी छोटी करूंगा, तकरीबन मैंने हाफ कर दी है क्योंकि लग नहीं रहा, दोबारा से करता हूँ, लाइन पकड़ी, शेप टूल पे गया हूँ,
और हाइट मैंने इसको कर दी है 10 के करीब, तो अब ठीक है, ये एक टीचर का डेव डाटा बन चुका हुआ है। और टीचर वन जो है, अब इसको मैं पूरा का पूरा मूव कर सकता हूँ। ये टीचर वन का जो है मेरे पास फोल्डर, इसमें ये पूरा का पूरा डाटा पड़ा हुआ है। मूव टूल पे गया हूँ और इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूंगा टीचर वन पे, कंट्रोल जे, तो टीचर वन के बजाय मैं रीना करूंगा टीचर टू, और इस टीचर टू को मैं मूव करूंगा नीचे की तरफ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दो टीचर का बायोडाटा आ गया। तो इस तरह टाइम बचा लिया है मैंने। अब मैं इसको नाम को एडिट नहीं कर रहा, किसी चीज को एडिट नहीं कर रहा, वो आप लोगों ने एज्यूम करना है कि ये किसी और टीचर का डाटा है। तो मैं इसको एडिट करने लगूंगा तो टाइम ऑब्वियसली ज़ाया हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि ये दोनों का गैप काफी ज्यादा था, तो वो कम हो सकता है, तो कर लेते हैं कंट्रोल जी एंड अगेन कंट्रोल, बल्कि नहीं, टाइम कम है हमारे पास। मैं ये स्पेस कम करना चाह रहा था और ये स्पेस बढ़ाना चाह रहा था ताकि दोनों टीचर में अच्छा खासा डिस्टेंस आ जाए, लेकिन ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, आप किस तरह करेंगे इसको। बस ये डिस्टेंस कम करना है, इसका मतलब ये कि इस टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है हल्का सा, और ऑटोमेटिकली ये स्पेस बन जाएगी हमारे पास। तो खैर, अब हम चलते हैं सेकेंड पेज पे। अच्छा, अब हम आएंगे सेकंड पेज पे, और सेकंड पेज पे हमारा देखिए, जो टीचर्स हैं ना, दोनों टीचर्स, इनका मैं टेक्स्ट थोड़ा सा साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि ये इतना ज्यादा वो ना लगे, कंजेस्टेड ना लगे। तो टीचर वन को मैं ऊपर पुश कर रहा हूँ और टीचर टू को मैं यहीं पर रहने दे रहा हूँ। तो ये लेफ्ट पेज मेरा कंप्लीट है। सेंटर वाला पेज जो है, इस पे मैं, जैसे कि मैंने सोचा था, मैं कोटेशन डालूंगा और थोड़ा सा एड्रेस वगैरह डालूंगा। तो इससे पहले मैं राइट वाला पेज कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि जहाँ पे लोगो बना हुआ है। राइट कॉलम पे गया हूँ, टीचर वन और टीचर टू को मैंने लेफ्ट कॉलम में डाल दिया। और राइट कॉलम मेरे पास क्या था, ये इसमें जो लोगो है, उस लोगो को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और साइड पे डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक इमेज डालनी है जो कि फीचर्ड इमेज होगी, जो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये कैंपस की इमेज है या जो भी है, तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दी है। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं इस राइट कॉलम को सेंटर कॉलम के पीछे ले जाऊं तो ऑटोमेटिकली इमेज छुप जाएगी। एक मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्रेम यूज करूंगा, ये भी हम यूज कर चुके हैं, एक क्लास में हमने किया था, तो वो मैंने फ्रेम यूज किया और इमेज क्रॉप आउट होगी ऑटोमेटिकली। और इस इमेज को भी मैं ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा क्योंकि मेरी थीम चल रही है ब्लैक एंड व्हाइट। आप चाहें तो कलर कलर इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कंसिस्टेंट हो रहा हूँ अपनी थीम के साथ। और मेरा लोगो छुप गया, तो मैं लोगो को भी ऊपर ले आऊंगा, तीनों लोगो यहाँ पे आ गया। और इमेज को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जहां मेरा दिल करता है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट सही है। ठीक और यहाँ पे मैं एक, यहाँ पे मेरी हेडिंग आएगी टेक्स्ट, तो वो क्या आएगा, मुझे इसके लिए बड़ा चाहिए टेक्स्ट पे गया हूँ और लिखना शुरू करूंगा मैं यहाँ पे लाहौर, कंट्रोल ए ताकि लेटर बड़े हो सकें, और ये कलर देता हूँ। कैपिटल में लिखूंगा सारा लाहौर, ग्राफिक्स कंट्रोल ए, और लेफ्ट लाइन करूंगा
और आई थिंक इसको भी निचली लाइन में रखूंगा। फिर मैं इसका थोड़ा सा बोल्ड करूंगा क्योंकि सेमी बोल्ड से काम नहीं चल रहा, बोल्ड होना चाहिए। और फॉन्ट साइज मैं इसका काफी बड़ा करूंगा बिकॉज दिस इज अवर हेडिंग, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके दरम्यान में जो स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग, वो भी मैं इंक्रीज करने जा रहा हूँ। वो मैं करूंगा करेक्टर वाले पैनल पे क्लिक करूंगा, VA को इंक्रीज करूंगा, यस ट्रांसफॉर्मेशन जो किया उसको यस करना है। अब A पे प्रेस करूंगा और थोड़ा सा फासला, नहीं मैंने इसका वर्टिकल बढ़ाना तो मैं वो वाला करूंगा। और इस लाइन को मैं जब करूंगा तो लाइन स्पेसिंग बढ़ेगी, और मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं हूंगा तब तक के आई थिंक ये काफी है। और अब मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करूंगा, फॉन्ट स्टाइल इसका थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगा, वो देख लेते हैं कि कौन सा सही रहेगा। ये वाला सही रहेगा, बेंच ड्रिफ्ट नाम है फॉन्ट का। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसका कलर, जो फॉन्ट कलर्स हैं वो भी चेंज कर सकता हूँ, यानी कि जो एकेडमी है इसका कलर मैं चेंज कर दूँ ऐसे, तो थोड़ी सी यूनिकनेस आ जाएगी इसमें। और नीचे टैगलाइन में लिख देता हूँ, टैगलाइन में कुछ भी लिख सकते हैं, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, जो कि नहीं लिखा गया, लर्न फ्रॉम कंट्रोल ए, और इसका कलर मैं हल्का सा फेड कर दूंगा ताकि प्रोमिनेंट ना हो इतना। और इसको टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट जो है वो छोटा करूंगा, फॉन्ट साइज छोटा करूंगा ताकि वो बिल्कुल इसके नीचे आ जाए। और फिलहाल हमारी कुछ ऐसी शक्ल बनी है ब्रोशर की, टाइटल पेज भी सेट हो गया है, वो भी सेट हो गया है। और एक और आइडिया है कि मैं इसको यहाँ टैगलाइन को यहाँ की बजाय यहाँ पे लिखूँ तो बेहतर रहेगा, थोड़ा प्रोमिनेंट सा हो जाएगा। और सब कलर मैं व्हाइट दूंगा अब, और कलर व्हाइट देना है, ओके एंड ओके। तो फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ ऐसा बन गया है, इसको मैं अलाइन करूंगा, फोटोशॉप पूरी अलाइन कर देगा इसको, मैं सिर्फ हिलाऊंगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेज भी बन गया, ये मेरा टाइटल पेज था तो वो भी बन गया, इंस्ट्रक्टर्स का पेज भी बन गया। अब सेंटर में हमने कुछ लिखना है जिसमें एड्रेस वगैरह शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम तीन आइकॉन्स मजीद इंपोर्ट करेंगे। और वो इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, मैं फोन का, लोकेशन का और वेबसाइट का और ईमेल का भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पता मैं क्या करूंगा, मैं एक शॉर्टकट यूज करूंगा। मैंने अभी रिसेंटली बिजनेस कार्ड ओपन किया था, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किस तरह से टाइम बचा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारा कुछ पहले से ही मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, ये चारों चीजें मेंशन की हुई हैं। और ये कहाँ पे मेंशन की थी, फ्रंट साइड पे गया हूँ, फ्रंट साइड पे ट्रायल्स में कहाँ पे है, तो ये टाइटल है, राइट कंटेंट, लेफ्ट कंटेंट, ये आ गया लेफ्ट कंटेंट। अब ये पूरा का पूरा लेफ्ट कंटेंट जो है ना, यही मैंने यहाँ पे बनाना है इस पार्ट पे। तो बजाय इसके मैं फ्रॉम द स्क्रैच बनाऊँ, मैं एक दफा बना चुका हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं क्या करूंगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, मूव टूल पे जाऊंगा, यहाँ से ड्रैग करूंगा, इस टैब पे ऊपर रखूंगा माउस और यहाँ पे लेके आके छोड़ दूंगा। तो आप देखें क्या हो गया, पूरा का पूरा एज इट इज वो लेयर आ गई है लेफ्ट कॉन्टेंट की। और इस लेफ्ट कंटेंट कंटेंट को मैं उठा के अपने सेंटर वाले कॉलम के अंदर डाल दूंगा, और अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे फ्रॉम द स्क्रैच बनाना नहीं पड़ा। आइकॉन्स का कलर जो है वो मैं ब्लैक, नहीं आइकॉन्स का कलर व्हाइट ही रहेगा, जो नीचे आइकॉन प्लेस होल्डर है इनके कलर में चेंज करूंगा, इनके कलर में क्या करूंगा, गया हूं, ये किया,
क्लिक किया और कलर पिक किया ये वाला, ओके प्रेस किया तो सबके सब कलर्स क्या हो गए, पर्पल जो कि मेरे टेम्पलेट का हिस्सा है। इस पूरे कंटेंट को जो मैंने वहां से उठाया है एज इट इज कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ और एक्सपेंड कर रहा हूँ और यस। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल बंदे का आ रहा है जो कि फुरकान है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो क्योंकि कंपनी का ब्रोशर है, तो मैं यहाँ पे रीनेम कर दूंगा और ग्राफिक्स अकेडमी है तो मैं उसको शॉर्टकट कर देता हूँ lga@gmail.com। फोन नंबर ठीक है, कंपनी ठीक है, सिटी ठीक है, सब कुछ सही है और इन सबको मैंने अलाइन किया लेफ्ट और पूरे जो लेफ्ट कंटेंट था इसको मैंने उठाया यहाँ नीचे ड्रैग किया और इसके ऊपर मैंने टाइटल लिख दिया कॉन्टैक्ट अस का टेक्स्ट का साइज बड़ा किया, इसके ऊपर रखा, थोड़ा और छोटा करता हूँ और बोल्ड करता हूँ थोड़ा सा सेमी बोल्ड। और कॉन्टैक्ट का कलर व्हाइट रहेगा, अस का कलर भी व्हाइट है, कॉन्टैक्ट का कलर मैं पर्पल कर देता हूँ जस्ट टू गिव इट कॉन्ट्रास्ट, ओके। और ये क्या, अगर मैं इस पर्पल वाले को एक्सटेंड कर दूँ ना राइट पे तो वो भी अच्छा लगेगा, खैर वो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस की बात है। कॉन्टैक्ट अस पर्पल में अच्छा नहीं लग रहा, मैं सब पूरा व्हाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया और अब ऊपर यहाँ पे मैंने एज इट इज जैसा कहा था कि स्टार्ट में कि हमने एक कोटेशन डालनी है और वो कोटेशन क्या हो सकती है, एक बड़ी फेमस कोटेशन है बी योरसेल्फ एवरीवन एल्स ऑलरेडी, इटैलिक करूंगा। यहाँ पे इटैलिक की ऑप्शन नहीं आ रही तो मैं करेक्टर में जाके यहाँ से इटैलिक करूंगा, तो इसको इटैलिक हो जाना चाहिए। पहले मुझे टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा, फिर मैं इसको इटैलिक करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट साइज भी सही है, फॉन्ट फॉर्मेट भी सही है, थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया। और कोटेशन डालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और कोटेशन मार्क्स डालूंगा, वो आते हैं आई थिंक 2 के ऊपर, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल ए और इसका साइज बहुत बड़ा कर दूंगा, यहाँ पे आ गया। और इसी को कंट्रोल जे करूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा, बट कंट्रोल टी करके इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, रोटेट करूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा। और इन दोनों का कलर मैं टेक्स्ट पे जाके पर्पल देखता हूँ कैसा रहेगा, ठीक है, पर्पल बुरा नहीं लग रहा। इसके अलावा जिस बंदे ने कहा है उसका नाम भी लिखने, और ये कहा है मिस्टर ऑस्कर वाइल्ड, कंट्रोल ए, टेक्स्ट का साइज छोटा होना चाहिए इसका और यहाँ पे सही रहेगा। दूसरी चीज ये है कि इसको राइट अलाइन करना है, राइट बनता है नहीं सॉरी लेफ्ट बनता है, लेफ्ट अलाइन करके करना ताकि सारा कुछ नीट रहे। अब इस कोटेशन मार्क को, नीचे वाले कोटेशन मार्क को जिसने बोला है उसका नाम और जो कोट है उसका नाम, इन सबको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ग्रुप में डाल के यहाँ पे लिख रहा हूँ कोटेशन, ताकि मैं इसको आप हिला सकूँ अपने तरीके से। ये हो गया और इसको थोड़ा सा ऊपर पुश करना पड़ेगा, इस वाले को थोड़ा ऊपर पुश करना पड़ेगा, तो फिलहाल के लिए हमारा ऐसा ही है और टाइम भी पूरा हो गया। टाइम अगर होता मेरे पास तो मैं इसमें थोड़ी सी और फाइन ट्यूनिंग करता कलर्स के हिसाब से, लेकिन आई थिंक फॉर ब्रोशर वो भी एक क्लास में होपफुली आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग होती रहती है, यानी कि मैं इसकी स्पेसिंग ठीक कर सकता हूँ, स्पेसिंग मुझे अभी भी इरिटेट करी कि इतना बड़ा गैप क्यों है,
और इस टाइटल पेज को मैं थोड़ा और अच्छा बना सकता हूँ, क्योंकि ठीक है ये भी सही है। और एक और चीज मैंने ट्राई करनी है कि जो राइट कॉलम पे जो ट्राइंगल आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है नीचे ये वाला, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं कंट्रोल टी करके तो ये कैसा रहेगा, ये भी मैं देख लेता हूँ। नॉट बैड, लेकिन खैर ये अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा। अब एक चीज रह गई है, इससे पहले कि क्लास खत्म करें, गाइडलाइंस मौजूद है। अब हमने डालना है इस पे टर्न ओवर इफेक्ट, वो किस तरह डालेंगे, ग्रेडियंट पे जाना है आपने, और ग्रेडियंट पे जाने के बाद ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, कॉलम्स आ गए हैं। अब मैं दो एक लेयर नहीं बनाऊंगा, ये लेयर क्या है, शेड, ठीक है। शेड का मतलब क्या है कि अब मैं ग्रेडियंट डालूंगा, और ग्रेडियंट मेरा किस किस्म का है, बेसिक पे गया हूं। अब मैं दोबारा बताता हूँ, ग्रेडियंट टूल पे गया हूँ, ऊपर वाले जो प्रीसेट है उस पे क्लिक किया है, उस पे क्लिक करने के बाद मैं बेसिक पे गया हूँ, बेसिक पे क्लिक करने के बाद मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे गया हूँ, और ब्लैक जो व्हाइट वाला है ना, उस व्हाइट के ऊपर जो ब्लैक आ रहा है ये ओपेसिटी शो करती है, ये याद रखना है। नीचे वाले कलर शो करते हैं, यानी ये ब्लैक है और ये व्हाइट है ग्रेडियंट। मैंने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी कम करनी है, तो मैं ऊपर वाले क्लिक करूंगा, ओपेसिटी 100 है, इसको 0 कर दूंगा। ओके प्रेस किया, अगर ये स्टेप नहीं समझ आ रही तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अब मैंने इसको ड्रैग करना है कि ये किस डायरेक्शन में ग्रेडियंट आएगा, तो ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है क्योंकि ग्रे शेड आ रहा है, ग्रे शेड नहीं आना चाहिए, तो मेरे ख्याल में मैंने इसको पूरा 0 नहीं किया, 0 कर दिया है मैंने इसको व्हाइट वाले को, और ये व्हाइट है इसको ब्लैक होना चाहिए, दोनों ब्लैक होने चाहिए ताकि ग्रे शेड ना आए जिस तरह भी आ रहा था। अब मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, अब ग्रे शेड नहीं आएगा, ठीक है, अब ब्लैक है इसको, ये मेरा पास जो है ना ये चीज बनी है, ठीक है ना, ये शेड बना है शेड। अगर नहीं समझे किस तरह से बनाया आप इसे पूछ सकते हैं, सिंपल ग्रेडियंट टूल यूज किया है। अब इसको मैंने कंट्रोल टी करके एक इस वाले को यहाँ पे ले आना है, इस ग्रिड पे, और लेफ्ट वाले ग्रिड को यहाँ पे ले आना है, ठीक है। ग्रिड ये वाला पार्ट ग्रिड पे इस ग्रिड पे चला गया और ये वाला पार्ट इस ग्रिड पे चला गया, पहली चीज। दूसरी चीज है इसको यस करें और इसकी ओपेसिटी कम कर दें, ठीक है, इसकी ओपेसिटी कम कर दें। और एक और चीज कर सकते हैं, कंट्रोल टी करके इसको मजीद सेंटर में ले आए थोड़ा सा, ये अब अपने उसके मुताबिक है, अपने टेस्ट के मुताबिक कि आप कितना डार्क शेडो चाह रहे हैं। इसका डुप्लीकेट करें इस शेड का, कंट्रोल जे, और इस शेड को उठा के अब आपने अगले पेज पे लेके आना है। ये ऐसे में है क्या चीज, आपने नोट किया होगा। अब मैं ग्रिड लाइन हटाने लगा हूँ, विंडो सॉरी व्यू क्लियर गाइड्स। अब आपने देखा होगा यहाँ पे गैप आ रहा है, आई थिंक उस गैप को मैं किस तरह से रिमूव कर सकता हूँ। राइट कॉलम में जाएंगे, जो फ्रेम है वो तो ठीक आ रहा है, लेकिन अगर इसको बढ़ा दूं तो होपफुली, हाँ गैप चला गया। अब ये क्या चीज है जो शेड मैंने बनाया, ये क्या चीज है, ये शेड होता है कि टर्न ओवर इफेक्ट देता है, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा डार्क करूँ ओपेसिटी, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बैंड हुआ हुआ है, आपके यहाँ से नजर आ जाएगा। ये पेज है और ये ऐसे लग रहा है जैसे कि बेंड हुआ हुआ है, तो सिर्फ एक ये 3D इफेक्ट के लिए होता है, और आप अपने उसमें यूज कर सकते हैं, जहां भी पेज आ जाए वहां पे शेड्स आ जाते हैं, क्योंकि लाइट किसी जगह से आ रही होती है और दूसरी तरफ शेडो पड़ रहा होता है, तो इस तरीके का आइडिया होता है इस चीज का। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी इन दोनों को मैं पकड़ता हूँ और कंट्रोल टी करके इसको पूरे को रोटेट करूंगा, तो लाइट की इफेक्ट दूसरी तरफ चली जाएगी और इसको आगे ले आए, तो अब लाइट कहाँ से आ रही है, इस राइट साइड से आ रही है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने के लिए, काम खराब हो गया। तो खैर लाइट की डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
होपफुली आप लोग भी इस काबिल होंगे कि ब्रोशर बना सकें. ऑब्वियसली फर्स्ट